हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दीदी सिलाई चैनल में। मैंने आज ये वाली ब्लाउज डिजाइन बनाई है। अगर आप भी इस तरीके की ब्लाउज डिजाइन बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्क्रिप करें देखें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैंने इस तरीके से ब्लाउज के बैक पार्ट को कटिंग कर लिया। मैंने इसका शोल्डर 6.5 इंच रखा है और फिटिंग 9.5 इंच है हमारी, और यहाँ से मैंने कंधे के लिए 6 इंच पर निशान लगाया है। सबसे पहले हम 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम 3.5 इंच पे गले के लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला लेना है हमें। और अब इसमें हम लगाएंगे 0.5 इंच पे गोलाई इस तरीके से, और अब यहाँ से हम गले को कटिंग कर लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अब इस तरीके से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे, और कपड़े को भी हम यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम कपड़े अस्तर हटा करके कपड़े को खोल लेंगे, और उसके ऊपर इस तरीके से अस्तर को रख करके सिलाई लगाएंगे 0.5 इंच से किनारे किनारे, क्योंकि हमने सिलाई वाला बनाया है तो इस तरीके से किनारे किनारे हमें 0.5 इंच पे सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हम गले पे भी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बराबर करके कपड़े को इस तरीके से। हमें कपड़े पे भी सिलाई लगा लेना है गले वाले पे, बिल्कुल किनारे किनारे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, तो हम यहाँ से अस्तर के बराबर कपड़ा कटिंग कर देंगे बिल्कुल बराबर से। उसके बाद हल्का हल्का कट लगा देंगे जिससे हमारा गला अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ बने। अब इस तरीके से हमें पलट लेना है कपड़े को, और पलटने के बाद हम इस तरीके से सीधा करेंगे अस्तर और कपड़े को, और इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाना है अस्तर को बराबर रखते हुए। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है किनारे किनारे। अब हम ऊपर भी गले पे इस तरीके से बराबर रखते हुए कपड़े पे किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर होना चाहिए कपड़ा। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है गले पे भी, और अब हम इसको कच्चा करेंगे। कच्चा करने के लिए हमें बिल्कुल बराबर से कपड़े को अच्छे से रखना है जिससे हमारे कपड़े में कहीं भी झोल ना आए, और इस तरीके से कच्चा कर लेना है बिल्कुल बराबर से। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बराबर रखते हुए कपड़े को किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब हमारा कच्चा हो गया है, अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे बिल्कुल अस्तर के बराबर। अब हमारा बैक पार्ट कट चुका है, बिल्कुल तैयार है। अब इस पे हम बनाएंगे गले के डिजाइन, तो उसके लिए हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें पट्टी रखना है 3.5 इंच, तो हम 3.5 इंच पे या 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 3.5 इंच लगाना है निशान, और यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और 3.5 इंच इधर भी, और इस तरीके से हमें मिला लेना है निशान को। और आप देख सकते हो 4.5 इंच का हमारा गला बना है, तो हमें एक पेस्टिंग पेपर को ले लेना है इस तरीके से, और 1 इंच पे निशान लगाना है डबल फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सीधा। उसके बाद 4.5 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे बिल्कुल बराबर, और यहाँ से हमें लगाना है 3.5 इंच, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3.5 इंच ही है, तो इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है हमने। अब यहाँ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम कपड़े को, और कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को, और यहाँ से अब हम गला कटिंग करेंगे बिल्कुल 4 कोने का ही हमें कटिंग करना है। अब हमारा गला कट के तैयार हो चुका है बिल्कुल बराबर। अब इसको हम अस्तर के ऊपर रख करके इस तरीके से अटैच कर लेंगे बिल्कुल बराबर, और 0.5 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया है हमने उस पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे।
अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसको डबल पार्ट में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बीचों बीच में हमें इस तरीके से चौक से निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें ब्लाउज वाले पार्ट को भी इस तरीके से रख करके इस पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद सीधा हमें निशान लगा लेना है और सीधी साइड से ही हमें अटैच करना है। तो हम बिल्कुल निशान से बराबर में बीचों बीच में इस तरीके से गले को रोक देंगे पिन की मदद से। और अब इस पे हम लगाएंगे किनारे किनारे से सिलाई। इस तरीके से हमें किनारे किनारे से बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाना है। अब इस तरीके से बिल्कुल बराबर हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब पिन निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ से हल्का कट करेंगे और आधी इंच का मार्जिन कपड़ा रखते हुए किनारे किनारे से हम कटिंग कर लेंगे कपड़े को। और कटिंग करने के बाद हर कोने पे हल्का हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे हमारा गला अच्छे से अंदर की साइड को फोल्ड हो जाए। और इस तरीके से अब हम अंदर को गले को फोल्ड कर देंगे बिल्कुल बराबर से। अब इस पे हम किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। हमें सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे लगाना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और इसके बाद हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। हमारा गला बन गया है। अब हम इस पे लगाएंगे डिजाइन। तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने अस्तर लिया 6 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा। 2 अस्तर मैंने कटिंग किया। इसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और किनारे किनारे से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इस पे बिल्कुल बराबर से। और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा भी बना लेना है। अब हमारा दोनों पार्ट बन चुका है। हमें सीधा रखना है इस तरीके से और इस पे किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। हमें एक साइड सिलाई नहीं लगाना है। और उसके बाद कोना हल्का हल्का कट करके इसे फोल्ड कर देना है। और इस पे अब हम पेचकस की मदद से इस तरीके से कोना निकाल देंगे इसका अच्छी तरीके से। और यहाँ से अंदर की साइड को फोल्ड करके इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है किनारे किनारे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और इसको अब हम बीच से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे और सुई धागे की मदद से इसमें छोटे छोटे चुन्नटे बनाएंगे, जिससे हमारी डिजाइन बहुत प्यारी बनेगी। अब इसको हम सुई धागे की मदद से अच्छी तरीके से बांध देंगे, जिससे हम इसका लुक अब बहुत ही प्यारा आता है। अब इसके ऊपर हम एक मोती अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब इस डिजाइन को हम बीचों बीच में इस तरीके से रख करके लगा देंगे और अच्छी तरीके से अटैच करेंगे सुई धागे की मदद से, जिससे बाद में ये निकले ना। और यहाँ से हम लगा देंगे गांठ। अब हमारी ये डिजाइन लग चुकी है। अब हम लगाएंगे ऊपर लटकन। तो उसके लिए मैंने 3.5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया। उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आगे से हल्का फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस पर सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे। और हमारा एक लटकन बन चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा लटकन भी बना लेंगे। अब इसी तरीके से हमें सारे लटकन को बना के तैयार कर लेना है। हमारा 2 लटकन बन चुका है। अब हमने सारे 6 लटकन को बना के तैयार कर लिया है। अब हमने ली है गोल्डन वाली मोती, गोल वाली, और इसमें हम 6-6 मोती लगाएंगे एक एक में इस तरीके से। आप अगर वाइट लगाना चाहते हैं मोती तो वाइट भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ अच्छी तरीके से अटैच कर देना है इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम सारे लटकन लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। जब तक हम लटकन को लगा रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ये ब्लाउज डिजाइन आपको कैसी लगी। अब यहाँ से हम लगाएंगे इस पे प्लेट इस तरीके से। 1/2 इंच पे हमें प्लेट लगा देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम प्लेट लगा देंगे। अब हमारी ब्लाउज का बैक पार्ट बनके तैयार हो चुका है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।